नमस्कार दोस्तों, इसमें जो प्रॉब्लम है कि पावर ऑन नहीं हो रहा है, तो इसमें देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम पावर बटन को दबाएं और देखिए ओप्पो लिखा गया, यहाँ पावर बाय एंड्रॉयड भी लिखा गया है और देखिए यहाँ पे इस सेट जो है कि ऑन नहीं होता है। इसी प्रकार से बार बार इसमें प्रॉब्लम आ रहा है। अगर इसको हम चार्ज में लगा कर ऑन करते हैं तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम चार्ज में लगा दिए, यहाँ पे चार्ज उठा के लिया। अब हम इसको ऑन करके देखते हैं। तो देखिए हम यहाँ पे चार्ज में लगाए हुए हैं और देखते हैं कि ये सेट ऑन होता है या फिर नहीं होता है। यहाँ पे जो है कि प्रोसेस ले रहा है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हम चार्ज लगाएं इसको, और चार्ज में लगाने के बाद जो है से आसानी से खुल गया है। तो आसानी से खुल गया है दोस्तों। तो इससे को हम क्या करेंगे, और हम अब इसको चार्ज में लगा कर मतलब हटा करके दिखाते हैं। तो चार्जिंग को बाहर कर दिए और अभी देखिए दोस्तों, ये जो है कि चार्ज में मतलब चार्ज प्लग जो है से आउट करने के बाद ये जो है बंद हो गया। हम दोबारा से ऑन करके दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, ऑन नहीं हुआ। तो यहाँ पे फुल प्रोसेस करने के बाद भी जो है कि इसमें प्रॉब्लम यह फाइंड आउट होता है कि ये जो है चार्ज लगाने के बाद ऑन हो जा रहा है, पर विदाउट चार्जिंग जो है कि ऑन नहीं हो रहा है। ऐसे पावर ऑन जो है से ओप्पो का लोगो दिखा रहा है और फिर से पावर ऑफ हो जा रहा है। तो चलिए इसका सोल्यूशन आज हम बताते हैं। तो सबसे पहले मोबाइल को हम खोल लेते हैं। तो इस प्रकार के जब प्रॉब्लम है दोस्तों, तो आप बैटरी रिप्लेसमेंट कर दीजिएगा, तब पर भी प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगा। तो हम यहाँ पे आज जो है बैटरी रिप्लेसमेंट नहीं करने वाले हैं, हम सिर्फ यहाँ पे बैटरी को ही जो है कि रिपेयर करने वाले हैं। तो ये रही, मेरा फ़ोन खुल चुका है और इसका हम बैटरी को हम एग्जिट करते हैं मदरबोर्ड से। और ये देखिए मेरा बैटरी जो है निकल चुका है। अब मदरबोर्ड को साइड में रखते हैं, बैटरी में आप लोग को दिखाते हैं। तो बैटरी को पूरा सावधानी पूर्वक खोलना है यहाँ पे। तो देखिए दोस्तों, ये जो रेजिस्टेंस आप लोग को दिखाई दे रहा है, तो जूम करके दिखाने वाले हैं, यहाँ पे क्यू लिखा हुआ है। तो ये जो है कि कार्बनिक रेजिस्टेंस है, जो कि बैटरी को जो है से कि सप्लाई देता है। यहाँ से जो है से कि इससे सप्लाई होकर के मदरबोर्ड में जाता है मोबाइल के। तो यहाँ पे दोस्तों क्या हो रहा है कि ये जो है से कि शायद ख़राब हो गया होगा, या फिर रीडिंग से आप चेक करेंगे तो सही बताएगा। पर ये जो जितना एम्पियर का लोड लेना चाहिए, तो यहाँ पे जो है से कि लोड नहीं ले पा रहा है। तो इसको हम सिंपली क्या करेंगे कि इसके ऊपर जो है से कि जम्पर कर देंगे। तो जम्पर करने के बाद हम मोबाइल में दोबारा बैटरी लगाएंगे और पावर ऑन करके आप लोग को दिखाएंगे। इस प्रकार से वायर का टुकड़ा लेना होगा और इस पर हम जम्पर लगाते हैं।
देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम जम्फर अच्छा से कर लिए हैं और अब हम इसको पावर ऑन करा के आप लोग को सेट को दिखाते हैं। वहाँ से बैटरी जो है से कि वोल्टेज को इसको जितना एम्पियर चाहिए मदरबोर्ड को, तो उतना एम्पियर नहीं दे पा रहा था, इसके वजह से ऑन नहीं हो रहा था। अब हम इसको पावर ऑन करा के दिखाते हैं विदाउट चार्जिंग। तो देखिए मेरा सेट जो है से ऑन हो चुका है। और देखिए दोस्तों, मेरा फ़ोन जो है से कि स्विच ऑफ जो है से खुल चुका, और यहाँ पे देखिए बूटिंग जो है से लेने लगा फाइल। तो दोस्तों, इस प्रॉब्लम को आप जो है से बैटरी रिप्लेस करके भी कर सकते हैं और बैटरी को रिपेयर कर भी कर सकते हैं। तो आपको जैसे जो है से कि अच्छा लगे उस प्रकार से आप जो है से कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो मुझे मतलब यही बताना था आज के वीडियो में कि जब जो ओप्पो का जो A37 मॉडल है वो चार्ज लगाने के बाद ऑन हो रहा है, विदाउट चार्जिंग में जो है से ऑन नहीं हो रहा है, तो किस प्रकार सॉल्व करेंगे। तो देखिए दोस्तों, मेरा जो है से कि ऑलरेडी जो है से कि मोबाइल जो है से कि खुल चुका स्विच ऑफ। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।